जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले कि परीक्षा में, मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में आप लोग जो कुछ गलतियां करते हैं वो गलती आपके लिए कितना बड़ा बदनामी बन जाता है और आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। बहुत सारे बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो इन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पांच टिप्स बता रहा हूं मैं, पांच चीजों को आप पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमें यकीन पता है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पांच मिनट आप देकर के नहीं दे सकते, लेकिन पांच मिनट में आप कॉमेडी वीडियो देखते हैं, एक्स्ट्रा वीडियो आप देखते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। अगर आप पांच मिनट ये वीडियो देख लेते तो आपका कुछ नुकसान नहीं होता, कुछ फायदा, क्योंकि कोई भी बातें, कोई भी शिक्षक गलत बात नहीं बताता, फायदे की बातें होती है। तो वीडियो में आप पूरा बने रहकर मैं जो पांच चीजें बता रहा हूं, गलती को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पांच गलतियों को मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में मत करना। अगर ये पांच गलती को आप करते हो तो आप परीक्षा में फेल हो जाते हो। तो अगर फेल नहीं होना चाहते तो वीडियो को पूरा देखें। और चलो मैं पांच चीजें बता रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में, क्या आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 में मैट्रिक या इंटर के विद्यार्थी हैं और जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे आप। विनती है मेरी कि वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, भूल कर भी ये पांच गलतियां ना करें। बहुत सारे बच्चे पांच गलतियां करते हैं और फिर रोते हैं कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं फेल हो गया, एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से। भाई आप फेल अपनी वजह से हुए थे, हमने कहा था फेल होने के लिए, हमने तो कहा था कि वीडियो पूरा देख लो। अब वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो मैं ऐसा ही पांच टिप्स, धमाकेदार टिप्स लेकर आया हूं जो कि आपके परीक्षा के लिए तैयारी के साथ साथ ये बहुत बूस्ट करेगा आपको, एग्जाम को, प्रिपरेशन को, और आपकी परीक्षा सफलता की ओर बढ़ा करके ले जाएगा। पांच गलतियां, पांच मिस्टेक्स, बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे ये गलती करते हैं। जी हाँ, 90% बच्चे गलती करते हैं, उदास होकर के ऐसे बैठ जाते हैं मुंह लटका करके और अंत में कहते हैं कमेंट में, सर मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, पिछली बार यही हाल हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो नहीं देखा था। तो ये पांच गलतियां जो मैं आपको बताऊंगा कि ये पांच गलती आप नहीं करोगे, वो गलती इस प्रकार है, लेकिन वीडियो पूरा देखोगे। वीडियो पूरा जल्द क्यों कहता हूं मैं देखने के लिए, क्योंकि आप बच जाओ उस गलतियों से। बिहार बोर्ड में बहुत तरीके का परीक्षा होता है, यानी कॉपी शुरू मिलने से लेकर के कॉपी जमा करने तक, अंत तक सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं में एक भी चीजें चूक हो जाती है हमसे तो हमारा रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाता है। तो आप इन 90% में नहीं आओगे, आप 10% में आओगे। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप लिख ले तो 100% में गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट फिर 90% आ जाएगा। अगर इन चीजों को आप देख लेते हो, सीख लेते हो, तो आपका रिजल्ट 90% आएगा, सारी शुद्धता आप में आ जाएगी। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, इन पांच टिप्स को, पांचों टिप को ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। पहली बात है, मैं ये बता रहा हूं, बी एंड बी पेन, यानी ब्लू और ब्लैक पेन। आप जब भी परीक्षा देने जाएंगे, कोई भी 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, तो आप ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे रेड पेन निकाल लेते हैं, ग्रीन पेन, येलो पेन, अलग अलग तरीके, ब्राउन पेन ले लेते हैं, तो आपको कोई दूसरा कलम नहीं लेना, आपको केवल और केवल कलम लेना है, तो ब्लू एंड ब्लैक पेन ही लेना है। इन दोनों के अलावा आपको कोई पेन यूज नहीं करना है, ब्लू की जगह ब्लैक नहीं, ब्लैक की जगह ब्लू नहीं, अलग अलग चीजों पर अलग अलग पेन का उपयोग नहीं करना है, आपको केवल और केवल ब्लू और ब्लैक पेन, काला और नीला ही उपयोग करना है। बहुत सारे बच्चे इतना एक दर्जन पेन लेकर के जाते हैं, इस तरीके का पेन लेकर के जाते हैं और कोई काम नहीं हो पाता उनका। आप कभी रेड पेन आपकी कॉपी में लग जाएगा, आपका कॉपी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कौन जिम्मेदार होगा? तो पहली बात याद रखना है कि ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है, इसके अलावा कोई पेन आपको मैं प्रेफर नहीं करूंगा और कोई पेन आपको यूज नहीं करना है। नंबर टू, फर्स्ट पेज में गलती। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस तरीके की कॉपी होती है, इसमें फर्स्ट पेज में ही बच्चे लिख देते हैं जिसमें नेम और रोल नंबर लिखा होता है, तो फर्स्ट पेज की कॉपी पर आप नहीं लिखोगे। और दूसरी बात, फर्स्ट पेज में जब भी लिखोगे ना, कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन जो होता है ना, वो शिक्षकों को ना प्रभावित करता है। तो आप पहली पेज में जहां तक आपको आता है उन चीजों को सही सही सवाल लिखोगे और अच्छी चीजें लिखोगे, क्योंकि अगर पहले ही आप गलत लिख दोगे तो शिक्षक क्या कहेंगे, यार इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, पागल बच्चा, अच्छा लिखने नहीं आता है, फिर आपकी पूरी क्रेडिट खराब हो जाएगी और वहां पर एवरेज मार्क्स देकर के चला जाएगा, फिर आप रोते रह जाओगे कि सर ये बात प्रॉब्लम है। तो इन चीजों को याद रखना है कि आपको जब भी लिखना है ना, तो पहले जो सवाल आता है आपको उसको लिखना है, उसके अलावा नई चीजों को आप सही ढंग से लिखोगे। क्लियर है तीन चीजें? उसके बाद क्या रखिए, याद रखना भी गलती मत करना आप लिखने समय में, अपनी राइटिंग की शुद्धता को बनाए रखना और जो प्रश्न पहले आता है उन प्रश्नों को आप पहले लिख देना और साफ साफ लिखना, खूब काट कूट के, ऐसे कॉपी जो घसी हुई है ऐसे घस के नहीं करना है, आपको ध्यान पूर्वक अपनी कॉपी को परीक्षा को देना है। अगला कह रहा है कि परीक्षा में अटेंडेंस जरूर बनाए। अगली बात, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, लिखने में मगन हो गए और परीक्षा का अटेंडेंस बनाना ही भूल गए, आपका रिजल्ट पेंडिंग पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप परीक्षा देने में एक सवाल छोड़ देते हो चलेगा, लेकिन अटेंडेंस, तो आपका जो चार्ट पेपर आता है, जो आपके इन्विलिगेटर जो होते हैं, वो शिक्षक जो होते हैं,
वो चार्ट पेपर लेके आते हैं तो पहले उस पे सिग्नेचर करो आप, उन चीजों को खास ख्याल रखोगे, नहीं नहीं तो आपका क्या होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा यार, आपकी कॉपी तो बोर्ड तक जाएगी ही नहीं, एब्सेंट मार दिया जाएगा तो आपको क्या हो जाओगे, एब्सेंट दिखा दिया जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं बहुत सारे बच्चे रोते हैं कि सर मेरा तो रिजल्ट पेंडिंग पड़ गया, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं पड़ेगा, आपको ध्यानपूर्वक। तीसरा टिप ये हो गया। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, चौथी बात में कि जो प्रश्न पहले आता है उसी को जवाब देंगे, यानी जो प्रश्न आपको पहले आता है, जितना प्रश्न है 10 प्रश्न पूछा गया, 10 में से 5 बनाना, उसमें से 3 पहले आ रहा है आपको, तो 3 जो सही सही आ रहा है उसको शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से आप लिख देंगे, उसकी सुंदरता का अट्रैक्शन जो शिक्षक पे जाएगा, तो शिक्षक देखेंगे कि अरे यार इसके पास तो लिखने का अदा है, अंदाज है, स्टाइल है, क्योंकि शिक्षक पूरी कॉपी चेक नहीं करती है, शुरू के एक पन्ने को चेक करते हैं शिक्षक, उसके हिसाब से एवरेज नंबर बैठाते हैं। तो आपको पहले पेज का जो लिखना है ना, उसकी राइटिंग को अच्छे से, और जो प्रश्न पहले आपको आता होगा उसी प्रश्न का जवाब दोगे आप। एक्स्ट्रा जो नहीं आता है उसको लिख के क्या करोगे, तो शुरू में जो प्रश्न आपको 1, 2, 3 जो आ रहा है ना, शुरू 1 से 2 पेज तक आप उसी प्रश्न को लिखोगे और अच्छे से लिखोगे, उसका प्रभाव शिक्षक पे पड़ेगा, शिक्षक को राइटिंग अच्छी लगेगी, सही जवाब लगेगा, शिक्षक समझ जाएंगे कि लास्ट तक यही तरीके इसी तरीके का लिखा हुआ है, तो आपको अच्छा नंबर देंगे। चौथी बात, पांचवी बात, चौथी बात तो हो चुकी है, पांचवी बात, गाना शायरी या कोई अपशब्द न लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे गाना लिख देते हैं, अपशब्द लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, नहीं चेक करने वाले शिक्षक होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बुरा लगता है उनको। अब गाना लिख देते हो कोई बच्चे, कई बार पिछली बार भी हुआ गाना लिख दिया, बहुत सारे बच्चों ने शायरी लिख दिया था, बहुत सारे बच्चे अब शब्द यू लिख देते हैं, सर यो हमारा नंबर दो दियो, हम बड़े गरीब छे, हमारा ब्याह हो गए, ये क्या तरीका है यार, आप एग्जाम देने गए हो तो इन सब चीजों का उपयोग करना, इससे वाहवाही नहीं मिलती है, इससे आपके नंबरिंग में डिस्टर्बिंग होता है, आपका नंबर काट लिया था। तो इस तरीके का अपशब्द न गाना लिखेंगे आप, न शेर शायरी लिखेंगे, न अपशब्द, कोई बच्चा निरहुआ का गाना लिख देते, इन चीजों को नहीं लिखना, वरना फेल की जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, किसी शिक्षक का नहीं होगा। तो चौथी चीज, पांचवी चीज आपको याद रखना, उसी में एक चीज और है, पैसा ना डालें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में पैसा डाल देते हैं, रुपया 100 रुपया 500 रुपया 200 रुपया डाल देते, लिख देते हैं सर हम गरीब हैं, गरीब थे तो पैसा कहां से डाल दिए यार, गरीब थे, इस तरीके का बहुत सारे बच्चे करते हैं। और उन चीजों की वजह से क्या होता है, जब स्कूल से कॉपी जाता है ना, तो चपरासी जो होता है वो पैसे को कॉपी को झाड़ के चेक करता है, चपरासी निकाल लेता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, आप कोई भी बच्चे उसमें पैसा नहीं रखेंगे, आपके पैसा रखने से आपको नंबर नहीं दिया था, क्योंकि चपरासी चेक नहीं करता है, टीचर चेक करता है, और कॉपी कई जगह फॉरवर्ड होता है, तब जाकर के कॉपी चेक होती है। तो इन गलतियों को आप बचा लेते हैं तो आप समझ लिए आपने अपना रिजल्ट बता लिया। तो इन 5 मिस्टेक्स को भूल कर भी आप नहीं करोगे, और आपने इससे पहले भी तैयारी कैसे किया जाए, जनवरी से आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पिछले जाकर के वीडियो को देख लेंगे, वरना आपका नंबर कम आ सकता है। इन 5 गलतियों को आप सुधार लेंगे, इन 5 गलतियों को आप याद रखेंगे, और अपने दोस्तों को भी कह देंगे कि देखो सर ने बता दिया, इन ट्रिक्स के साथ मैंने तरीका बताया, इन चीजों को आप नहीं करोगे तो आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों मित्रों के पास। और आपने कई तरीके का वीडियो नहीं देखा कि तैयारी कैसे किया जनवरी से, तो पीछे 3 डॉट बटन पर जाकर के आप वीडियो देख लेंगे और वीडियो को ज्यादा से शेयर कर देंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।